दीपावली में रक्षाबंधन के पर्व पर एक बार फिर प्रेम सौहार्द और धर्म से परे रिश्ते के मायने को नया संदेश दिया गया दुनिया भर में नदियों के संगम के लिए। जाना जाने वाला शहर ने आज गंगा जमनी तहजीब का संदेश दिया। प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में रहने वाले एक मुस्लिम और हिंदू परिवार ने सबके लिए एक मिसाल पेश की, जिसमें मुस्लिम समुदाय के दो पीढ़ियों के लोग हिंदू समुदाय की लड़कियों से राखी बंधवाते हैं। तकरीबन 35 सालों पहले से इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी। खास ये भी है कि मुस्लिम परिवार सैयद घराने से तारुफ रखता है, जो मुस्लिम में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, और हिंदू परिवार ब्राह्मण है। 35 साल पहले रहने आए मुस्लिम परिवार, जो उनके पड़ोसी बने आलम साहब के दो बेटे हैं, और दोनों के दोनों बेटे इनके परिवार से हर साल राखी पर आते हैं। जिनके बड़े बेटे का भी बेटा हुआ तो वह भी पिछले 8 सालों से इन्हीं के परिवार की बेटियों से राखी बंधवाता है। इस मुस्लिम परिवार की दो पीढ़ी इस रिश्ते को कायम रखे हुए है। ईद की तरह घर के बच्चे रक्षाबंधन पर भी नए कपड़े के साथ तैयार होते हैं। पूरे समाज ही नहीं, देश भर में के मिसाल है। हम दो भाई हैं, एक भाई हमारा बड़ा है जो 35 साल के हैं, वो लखनऊ में रहते हैं, वो भी रक्षाबंधन में हालांकि वो आते हैं लेकिन इस बार नहीं आ पाए, और मैं भी हूँ। मैं पिछले 32 सालों से अपनी बहन से राखी बंधवा रहा हूँ। चूँकि हमारी ये सगी बहन नहीं है, हम दो भाई हैं, लेकिन हम लोग का जो रिश्ता है वो रिश्ता ऐसा है कि हम लोग का सगापन लगता है। हम लोग के बीच में जो एक पारिवारिक जो मिलाव है वो हमेशा रहता है, हम लोग मिलजुल के रहते हैं। और ये देशवासियों को भी एक एकता का प्रतीक देना चाहते हैं कि जिस तरीके से इस समय जो माहौल चल रहा है उससे भी हम लोग आगाह कराना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कहीं खून के रिश्ते ना हो। तो ऐसा नहीं है कि खून के रिश्ते अगर नहीं है तो रिश्ते नहीं कहलाते हैं। मेरी बुआ दो पिछले 35 सालों से राखी बांध रही हैं चाचा लोगों को, वो मेरे चाचा लगते हैं। मेरे 3 चाचा हैं लेकिन वो दो भी मेरे चाचा हैं, मिला के मेरे 5 चाचा हैं, जो कि पूरे परिवार के साथ हम लोग को बहुत मानते जानते हैं। हम लोग सब साथ में रहते हैं, कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं होता कि वो हमारे यहाँ नहीं आते, हम उनके यहाँ नहीं जाते। सब एक साथ मिलजुल के सारा फेस्टिवल सब साथ में मनाते हैं। आयान है जिसको मैं पिछले 7 साल से राखी बांध रही हूँ, और हम सब साथ मिल के सारा फेस्टिवल मनाते हैं और बहुत मानते जानते हैं एक दूसरे से। काफ़ी घनिष्ठता है हमारे परिवार में, और शुरू से अब तक कभी नहीं लगा कि वो मेरा भाई नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है। सब मिलजुल के सब साथ में रहते हैं। ठीक है। 35 सालों से राखी, बड़े भाई को इनके 35 सालों से राखी बनवा रहे हैं, और ये जो है छोटा वाला भाई जो इनका 34 साल से राखी बनवा रहा है, और उनके भाई के जो उनका बच्चा है वो आके कहते हैं कि 8 साल से राखी बनवा रहा है। दोनों घरों में बहुत मिलजुल है। संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को, और कि हिंदू मुस्लिम दोनों मतलब भाई भाई की तरह रहें, और क्या कहते हैं दोनों परिवारों में घनिष्ठता है, और सभी लोग एक साथ यह राखी का त्यौहार मिलजुल कर मनाएं, यही प्रेम पूर्वक मनाएं। यही हम संदेश देना चाहते हैं।